पिछले कई दिनों से विवाद में चल रहे मौलाना तौकीर रजा की हर पार्टी में कितनी पकड़ है, इसकी एक झलक कल यूपी के संबल में हुए एक समारोह में देखने को मिली। यहां आयोजित कल्की महोत्सव के दौरान कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और एनसीपी के महासचिव तारिक अनवर तौकीर रजा के साथ एक ही मंच पर दिखे। इस समारोह का आयोजन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि तौकीर रजा सांप्रदायिक नहीं है। अभी तक जो फिजा बनी रही पूरे देश में ये मौलाना तौकीर रजा साहब बहुत ही सांप्रदायिक व्यक्ति है और दंगे फसाद कराने के मुकदमे चले हुए हैं। आज उनके श्रीमुख से जिस प्रकार का भाषण सुना है, वो सारे लोग जिन लोगों ने मौलाना तौकीर रजा साहब की बदनामी की है, आज उनके चेहरे पे उनके गाल पर तमाचा है।